जय जय भीम। नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अनोखी वर्मा और मैं मध्य प्रदेश भोपाल सीहोर से हूँ। बहुजन समाज की बेटी बौद्धिस्ट हूँ। मैं बाबा साहब के मूवमेंट में और माननीय कासीराम साहब के मूवमेंट में काफी सालों से काम करती हूँ। प्रदेश के नर्मदा प्रशांत अध्यक्ष जी थे, नर्मदा प्रशांत अहिरवार जी, प्रदीप अहिरवार जी और ये सभी पदाधिकारी थे। राजा राम जाटव पार्टी कार्यालय सेक्रेटरी थे और कुशवा जी थे। ये इन लोगों ने मेरे साथ थोड़ी गलती की थी तो समाज के कहने से मैंने इन लोगों को माफ कर दिया। मैं जो ज्यादा दोषी कौन थे तो 2018 में दोषी थे अम्बा से जो विधायक बसपा के चुन के आए थे, सत्य प्रकाश संगवार जी, प्रदीप अहिरवार जी, बाबूलाल पहलवान ये सीहोर का प्रभारी थे, बाबूलाल पहलवान अहिरवार, जिला अध्यक्ष महिला अनीता अहिरवार थी और ओमपती दाम्बिया कार्यकर्ता थी, सिंधुली साहू बलाई समाज से आती है वो कार्यकर्ता थी, मिगा कार्यकर्ता थी। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत चाहती की अधिकारी केसलदा कोर्ट में उनका एक पैसे है वो जाएंगे खत्म, उनसे कोई पैसा नहीं लिया। बुद्ध की और बाबा साहब की कसम खा के गेरी मैंने एक रुपया नहीं लिया। दूसरी बात, यहाँ पे दोषी है, जब 2018 में चुनाव लड़े नरोत्तम प्रसाद जी अलग हट गए, प्रदीप अहिरवार बन गए तो प्रदीप अहिरवार ने मध्य प्रदेश को बेच दिया, सत्य प्रकाश ने बेच दिया, बाबूलाल ने बेच दिया, दिल से पैसा लिया और समाज को दुदू बनाया, पार्टी को गड्ढे में डाल दिया और मुझे पार्टी से निकाल दिया और कहा कि हम अगर चाहें तो तुम्हारा कुछ भी बुरा हाल करेंगे। तो सच्ची बात, प्रदीप ने गाली दी, सत्य प्रकाश ने दी, बाबूलाल पहलवान ने मेरे घर आके सीहोर में जब काम करता था प्रभारी बन के, तो एक दिन इतना झगड़ा हुआ उसने मेरे से शारीरिक संबंध बनाए। ये बात जब मैंने कही काम मत करें आप ऐसा करें तो शादी करनी पड़ेगी, मेरे रिश्तेदार समाज को सबको बोला तो कहना वो तो झूठ बोल रही, मेरे को पागल बता दिया इन लोगों ने तो मेरी अफवाह उड़ा दी। कोई महिला किसी आदमी के साथ कैसे बता सकती है अपने जीवन की बड़ी गलती, कैसे किसी पराए पुरुष के पास नाम जोड़ सकती है, मगर उसने गलत किया उसको सजा मिलना चाहिए। देश की जनता से ये अपील करती हूँ कि ऐसे गद्दार लोगों को निकालना चाहिए, जिस दल में भी थे उस दल का ये सगे नहीं होते हैं। इन लोगों को पैसे की भूख है, पद की भूख है, या किसी भी बहु बेटी को दाव पे लगा देते हैं, किसी भी बहु बेटी की इज्जत रोक सकते हैं, इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। इसलिए आज मेरे को जान का खतरा है और इन लोगों से मुझे भी बड़ा खतरा है, इनके बहुत सारे हाथ लंबे हैं, पैसे इन लोगों के पास रखा है, इनकी आय से अधिक संपत्ति है, इनके पास इनका संपत्ति का भी ब्यौरा लेना चाहिए, इनके ऊपर भी केस लगाना चाहिए। ये कहते हैं कि हमने समाज के साथ नहीं किया गलत, समाज का पैसा इन्हें खाया, पार्टी का पैसा इन्हें खाया और देश को गड्ढे में इन्हें लेके गए। ये बात मैं बहुत पहले कहने वाली थी, नहीं सुनी और आखिर में वही हुआ और आज भी इन लोगों ने वहाँ भी जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ भी पैसे में कर रहे हैं। मैं बड़े से बड़े नेताओं से अपील करना चाहती हूँ कि इनका भरोसा कोई ना करे, ये बिल्कुल गलत लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं होंगे, हमारे समाज के अंदर बहुत गलत लोग हैं, इनके अंदर इंसानियत नहीं, इसके आगे सब समझते हैं कितने गलत है। और मैं अपील करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाए, मेरी रक्षा करे, मुझे सुरक्षा दे, क्योंकि कल से अगर मैं मर गई, एक अनोखी वर्मा मर गई तो लाखों अनोखी वर्मा की इज्जत कौन बचाएगा बताइए। आज एक अनोखी वर्मा मेरे समाज के लोगों ने मुझे दुख दिया, मेरे नहीं करना चाहिए समाज की बेटी के साथ, अपील करना चाहती हूँ और मुझे न्याय मिलना चाहिए और इन मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इसी बात को मेरी बात को विराम करती हूँ। सभी साथियों को जय भीम।